नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम मुंबई मेट्रो के बारे में जानने वाले हैं। मुंबई मेट्रो में कौन कौन से लाइंस ऑपरेशनल है, कौन कौन से लाइंस का कंस्ट्रक्शन शुरू है और कौन कौन से लाइन प्रपोज्ड है, इसका हम आज डिटेल देखेंगे। मुंबई शहर भारत की आर्थिक राजधानी है। यहाँ काफ़ी लोग रोजगार के लिए आते हैं। यहाँ की प्रमुख समस्या है ट्रैफिक समस्या। इसके साथ ही काफ़ी लोग यहाँ लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, लेकिन भीड़ के कारण यहाँ ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है। लोकल डिब्बे में कैपेसिटी से 2.5 गुना ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, तो लोकल ट्रेन से ट्रैवलिंग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए और रोड के ऊपर ट्रैफिक कम करने के लिए गवर्नमेंट ने मेट्रोस का प्रस्ताव दिया। कुछ रूट्स पे मेट्रो का काम चल रहा है, कुछ का कंप्लीट हुआ है, लाइन ऑपरेशनल है और कुछ रूट प्रपोज्ड है। मेट्रो के चलते मुंबई के रियल एस्टेट में भी काफ़ी ग्रोथ हो रहा है और रोड की ट्रैफिक की समस्या कम होगी, लोकल के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम होगा। तो मेट्रो से ज़्यादा सफ़र करने से मुंबई की ट्रैफिक समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। लोकल ट्रेन में मुंबई में एक दिन में लगभग 70 लाख से ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मेट्रो बनने के बाद में लोकल ट्रेन के ऊपर का प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं मुंबई मेट्रो का मैप। इसमें सारे रूट्स लगभग दिखाए गए हैं जो भी प्रपोज्ड हैं। मुंबई मेट्रो सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर तीनों जगह के उपनगरों को कनेक्ट करेगी। यू कैन वॉच दिस वीडियो एज अ गाइडलाइन फॉर मुंबई मेट्रो लाइन्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले मुंबई मेट्रो का इंफॉर्मेशन, उसके रूट मैप्स और उसके अपडेट्स। इसमें ऑपरेशनल लाइन कौन से हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन कौन सा है और प्रपोज्ड लाइन कौन से हैं। मुंबई मेट्रो के अलग अलग कलर्स में इसको बांटा गया है, जैसे येलो लाइन, रेड लाइन, एक्वा लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और पिंक लाइन। ये अलग अलग रूट मैप को ये अलग अलग कलर कोड दिया गया है। मुंबई मेट्रो का मेनली ये तीन डिपार्टमेंट के हिसाब से हुआ, जैसे लाइन 1, लाइन 3 और अदर्स। लाइन 1 है MMOPL, लाइन 3 है MMRCL और तीसरा है MMRDA के अंडर आता है। मुंबई मेट्रो एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जैसे MRTS के अंदर मुंबई में मेट्रो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। MMRDA ने 2004 में 146 किलोमीटर का एक मास्टर प्लान तैयार किया था, लेकिन कुछ अलग अलग कारणों की वजह से या फिर पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से या फिर EPC करना है कि PPP करना है, EPC करना है कि PPP करना है, मेट्रो रेल करना है कि मोनो रेल करना है, कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज है, ऐसे विभिन्न कारणों की वजह से ये MMRDA इतने सालों में सिर्फ एक रूट पर ही काम कर सकी और उसका काम लगभग 2006 में शुरू होके 2014 में ख़त्म हुआ। लगभग 9 साल उस लाइन को लग गए। ये पहली लाइन थी वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर। 2015 में अभी 118 किलोमीटर का एक मास्टर प्लान अप्रूव किया है जो अलग अलग लाइंस को कनेक्ट करेगा। उसमें से दो मेन लाइन है, दहिसर ईस्ट अंधेरी ईस्ट रेड लाइन एंड दहिसर ईस्ट टू DN नगर येलो लाइन, और इसमें और एक तीसरा लाइन है जो अंडरग्राउंड है, वो कब परेड BKC आरे कॉलोनी जो एक्वा लाइन में है। 2019 में एक नई एजेंसी जैसे महामुंबई मेट्रो ऑपरेशंस कॉरपोरेशन MMOCL एक एस्टेब्लिश की गई जो मुंबई की सारी मेट्रो सर्विसेज का ऑपरेशन और मेंटेनेंस करेगी, जो कंपनी MMRDA द्वारा बनाई गई। सितंबर 2019 में MMRDA ने 337 किलोमीटर का मास्टर प्लान तैयार किया जो महामुंबई मेट्रो नेटवर्क को 10 लाइन में और 17 सेक्शन में कवर करेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए एक इंटरिम कंसल्टेंट या फिर जनरल कंसल्टेंट के रूप में काम करता है जो इसको एग्जीक्यूशन करने में मदद करता है। अभी हम देखेंगे की फिगर्स। मुंबई मेट्रो में इसका एक समरी देखेंगे, इसमें ऑपरेशनल लाइंस, अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस, अप्रूव्ड लाइन और प्रपोज्ड लाइन। इसमें अभी ऑपरेशनल लाइंस
46.5 किलोमीटर है, अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन 133.9 किलोमीटर है, अप्रूव्ड लाइन 21.289 किलोमीटर है और प्रपोज्ड लाइन है 136.4 किलोमीटर। अभी हम ये पूरे लाइन का डिटेल देखेंगे। सबसे पहला है मुंबई मेट्रो लाइन 1, जिसकी हमने बात की। ये ब्लू लाइन है वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर, ये लगभग 11.4 किलोमीटर का लाइन है, इसमें 12 स्टेशन हैं। उसके बाद है मुंबई मेट्रो लाइन 2, ये येलो लाइन है, ये दहिसर ईस्ट टू डीएन नगर है, ये 18.60 किलोमीटर का है, इसमें 17 स्टेशन है और ये भी अभी ऑपरेशनल है। अब ये मेट्रो लाइन 2B, ये येलो लाइन है, ये जो डीएन नगर टू मंडाले है, ये 23.64 किलोमीटर है और इसमें 22 स्टेशन है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी हम बात करेंगे चौथा लाइन मुंबई मेट्रो लाइन 3, ये एक्वा लाइन है, ये कफ परेड टू अरे कॉलोनी, जैसे थ्रू बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स सिप्स के थ्रू ये अरे कॉलोनी तक है, ये टोटली अंडरग्राउंड लाइन है, ये 33.50 किलोमीटर का लाइन है, इसमें 27 स्टेशन आते हैं और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुंबई मेट्रो लाइन 4, ये ग्रीन लाइन है, वडाला कासार वडावली, वडाला टू कासार वडावली, कासार वडावली थाने में आता है, ये 32.32 किलोमीटर है, इसमें 32 स्टेशन है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद है मुंबई मेट्रो लाइन 4A, ये ग्रीन लाइन है, ये कासार वडावली टू गायमुख, ये ऊपर जो दिखाई लाइन है उसी का एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ लाइन 4, ये 2.88 किलोमीटर है और इसमें 2 स्टेशन है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद मुंबई मेट्रो लाइन 5, ये ऑरेंज लाइन है, ये ठाणे भिवंडी कल्याण, ये लगभग 24.95 किलोमीटर है, इसमें 17 स्टेशन है, इसमें 12.81 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो बाकी रेस्ट प्रोजेक्ट है ये अभी होल्ड पे है, ये बहुत जल्दी शुरू होगा। इसके बाद है मुंबई मेट्रो लाइन 6, इसमें पिंक लाइन है, ये स्वामी समर्थ नगर विक्रोली, स्वामी समर्थ नगर से विक्रोली के बीच में है, ये लगभग 15.18 किलोमीटर का लाइन है, इसमें 13 स्टेशन है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद है मुंबई मेट्रो लाइन 7, ये रेड लाइन है, ये दहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट है, ये 16.5 किलोमीटर का है, इसमें 14 स्टेशन है और ये ऑपरेशनल है। इसके बाद है मुंबई मेट्रो लाइन 7A, ये रेड लाइन है, ये अंधेरी ईस्ट टू छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एक्सटेंशन है लाइन 7 का, ये 3.17 किलोमीटर का लाइन है, इसमें 2 स्टेशन है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद है मुंबई मेट्रो लाइन 8, ये गोल्ड लाइन है, ये छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट कनेक्टर है, ये 35 किलोमीटर का लाइन है, इसमें 7 स्टेशन है, ये लाइन प्रपोज्ड है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई और नवी मुंबई के एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली ये लाइन है, ये प्रपोज्ड लाइन है, ये लगभग 35 किलोमीटर का है, इसमें 7 स्टेशन हैं। इसके बाद है मुंबई मेट्रो लाइन 9, ये रेड लाइन है, ये दहिसर ईस्ट टू मीरा भाईंदर, ये लाइन एक्सटेंशन ऑफ 7 11.38 किलोमीटर है और इसमें 8 स्टेशन है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये मुंबई मेट्रो लाइन 10 है, ये ग्रीन लाइन है, ये गायमुख टू शिवाजी चौक इन मीरा रोड है, ये 9.20 किलोमीटर का है, इसमें 4 स्टेशन है, ये अप्रूव्ड लाइन है। इसके बाद है मुंबई मेट्रो लाइन 11, ये ग्रीन लाइन है, ये वडाला टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, ये एक्सटेंशन ऑफ लाइन 4 है, इसमें 12.77 किलोमीटर लेंथ है और इसमें 10 स्टेशन है और ये प्रपोज्ड है। इसके बाद है मुंबई मेट्रो लाइन 12, ये ऑरेंज लाइन है, ये कल्याण टू तलोजा जो एक्सटेंशन ऑफ लाइन 5 है, ये 20.7 किलोमीटर है, इसमें 17 स्टेशन है और ये भी प्रपोज्ड है। इसके बाद है मुंबई मेट्रो लाइन 13,
जो पर्पल कलर का है, पर्पल लाइन है, ये शिवाजी चौक मीरा रोड टू विरार है। ये 23 किलोमीटर का लाइन है, इसमें 20 स्टेशन है, ये प्रपोज्ड है। इसके बाद है मुंबई मेट्रो लाइन 14, ये मंजेटा लाइन है, ये कंजूर मार्ग टू बदलापुर, इसमें 45 किलोमीटर लेंथ है और इसमें 40 स्टेशन है और ये भी प्रपोज लाइन है। अभी हमने ऊपर के टेबल में देखे मुंबई मेट्रो की जो 14 लाइन्स है, इसमें कुछ ऑपरेशनल है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ प्रपोज है। अभी हम उसका डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले ऑपरेशनल लाइन्स का, पहली लाइन है वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर, ये 11.4 किलोमीटर के है, इसमें 12 स्टेशन है, उसमें ऑपरेटर है मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद जॉइंट वेंचर उसका रिलायंस इंफ्रा और MMRDA और वेवलिया ट्रांसपोर्ट। इसमें स्टेशन है वर्सोवा, डीएन नगर, आजाद नगर, अंधेरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, चकाला एयरपोर्ट रोड, मरोल नाका, साकी नाका, असलफा, जागृति नगर और घाटकोपर। इसका डेपो है फोर बंगलोस में, डीएन नगर के पास, फोर बंगलोर के पास इसका डेपो है। अभी दूसरी ऑपरेशनल लाइन है येलो लाइन, दहिसर ईस्ट टू अंधेरी वेस्ट, ये 18.6 किलोमीटर की लाइन है, इसमें 17 स्टेशन है, इसमें ओनर है MMRDA, ऑपरेटर है MMMOCL और डेपो इसका मालवनी इंचारकोप। इसके बाद है तीसरी ऑपरेशनल लाइन, रेड लाइन है वो, दहिसर ईस्ट टू गुंडौली, ये 16.5 किलोमीटर है, इसमें 14 स्टेशन है, इसमें ओनर है MMRDA, ऑपरेटर है MMMOCL और डेपो इसका मालवनी इंचारकोप और दहिसर ईस्ट में। फ्यूचर में ये लाइन मीरा भाईंदर तक एक्सटेंड होने वाली है नॉर्थ साइड में और CSI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 तरफ ये लाइन एक्सटेंड होने वाली है। लाइन 7 है विथ 2 स्टेशन। अभी हम देखेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन्स। सबसे पहले लाइन 2B येलो लाइन, ये डीएन नगर बांद्रा मंडाले, ये लगभग 23.64 किलोमीटर की लाइन है, इसमें 22 स्टेशन है, इसमें ओनर है MMRDA, ऑपरेटर है MMMOCL और इसका डेपो मंडाले में है। इसके बाद है लाइन 3 एक्वा लाइन, ये कप परेड BKC सिप्स आरे कॉलोनी, ये 33.5 किलोमीटर की है, इसमें 27 स्टेशन है और ये अंडरग्राउंड लाइन है, इसमें ओनर और ऑपरेटर है मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, JV 50/50 JV विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और डेपो इसका आरे कॉलोनी में है। इसके बाद है लाइन 4 ग्रीन लाइन, ये भक्ति पार्क वडाला टू घाटकोपर थाने कासारवाडावली, ये 32.32 किलोमीटर की है और इसमें 32 स्टेशन है, इसमें ओनर MMRDA और ऑपरेटर MMMOCL और इसका डेपो विक्रोली और मोगरपाड़ा में है। और नॉर्थ साइड में ये लगभग 2.88 किलोमीटर एक्सटेंड होने वाले है गायमुख स्टेशन तक, जो लाइन 4A विथ 2 स्टेशन और ये अप्रूव्ड है और ये 9.2 किलोमीटर मीरा रोड की तरफ एक्सटेंड होने वाला है, जो लाइन 10 है विथ 4 स्टेशन। और जब साउथ साइड में ये लाइन फ्यूचर में CST स्टेशन तक एक्सटेंड होने वाले हैं, जैसे लाइन 11 विथ 10 स्टेशन। ये साउथ मुंबई में अपोलो बंदर की तरफ फ्यूचर में एक्सटेंड होने के चांसेस हैं। इसके बाद है लाइन 5 ऑरेंज लाइन, ये थाना, भिवंडी और कल्याण के बीच में है, ये 23.50 किलोमीटर का लाइन है, इसमें 17 स्टेशन है, इसके ओनर है MMRDA और ऑपरेटर है MMMOCL और इसका डेपो है कशेली में। इसमें 12.81 किलोमीटर थाने भिवंडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि भिवंडी कल्याण होल्ड में है, बहुत ही जल्द वो रूट मॉडिफिकेशन का प्रोग्रेस चल रहा है, बहुत ही जल्दी ये क्लियर होके शुरू हो जाएगा और ये लाइन फ्यूचर में एक्सटेंशन हो जाएगा कल्याण टू तरुजा एज अ पार्ट ऑफ लाइन 12। इसके बाद है लाइन 6 पिंक लाइन, ये लोखंडवाला JVLR सिप्स कंजूर मार्ग, जैसे 14.47 किलोमीटर 13 स्टेशन है, लोखंडवाला मतलब स्वामी समर्थ नगर लोखंडवाला टू JVLR सिप्स कंजूर मार्ग, इसमें ओनर है MMRDA और ऑपरेटर है MMMOCL
और इसका डेपो है कांजूर विलेज में, कांजूर मार्ग में है, जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास में है। इसके बाद है हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे प्रपोज्ड लाइंस। इसमें लाइन 8 है गोल्ड लाइन, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट CSIA टू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट NMIA, जो 35 किलोमीटर की लाइन है और इसके ओनर है MMRDA और ऑपरेटर है MMMOCL। ये एक एक्सप्रेस लाइन होगी जो रीजन्स के दोनों एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी। ये लाइन 11 है ग्रीन लाइन, भक्ति पार्क वडाला से CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.74 किलोमीटर का लाइन है। इसमें 10 स्टेशन्स है। इसमें ओनर है मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन MMRC और ऑपरेटर है MMMOCL। इसके बाद है लाइन 12 ऑरेंज लाइन, ये कल्याण से तलोजा के बीच में है, जो 20.7 किलोमीटर की लाइन है। इसमें 17 स्टेशन्स है। इसमें ओनर है MMRDA और ऑपरेटर है MMMOCL। ये लाइन 5 का साउदर्न एक्सटेंशन है। इसके बाद लाइन 13 पर्पल लाइन, ये शिवाजी चौक मीरा रोड टू वीरा, ये 23 किलोमीटर का लाइन है। इसमें 20 स्टेशन है। इसमें ओनर है MMRDA और ऑपरेटर MMMOCL। लाइन 14 मेजेंटा लाइन, विक्रोली कांजूर मार्ग टू बदलापुर, इसमें 45 किलोमीटर का लेंथ है और 40 स्टेशन है। इसका ओनर है MMRDA। ये लाइन PPP के ऊपर डेवलप करने का प्रपोजल है और इसमें इटालियन कंसल्टेंसी MMSPA को DPR के लिए अपॉइंट किया गया है अक्टूबर 2019 में। तो दोस्तों, आपने देखा मुंबई मेट्रो का डिटेल इन्फॉर्मेशन, अभी कौन कौन सा रूट्स ऑपरेशनल है, कौन सा अंडर कंस्ट्रक्शन है, कौन सा अभी प्रपोज्ड है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।